जनता के पास ऑप्शन क्या है? जनता के पास ऑप्शन है नोटा दबाओ, बात करना, इनको सुधारो सारे नेताओं को, क्योंकि ये लोग जो 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 शशिकांत दुबे जैसे जोर नेता, जो बड़बूले नेता है कि फ्री फंड का अनाज दे रहे हैं, आप फ्री फंड के पैसे हमारे खराब कर रहे हो संसद भवन में बहस करके। सरकार कौन चलाए? हमें आ जाएगा ना पत्रकार महोदय, सुनिए, अगर ये मानव अधिकार संगठन कहेगा लोकतंत्र खतरे में आ गया है, अगर नोटा दबा दिया और ना बीजेपी आई ना कांग्रेस आई ना झाड़ू आई, तो ये जो मानव अधिकार संगठन जब कन्हैया कुमार मरा था तब तो नहीं आया, वो पता क्या कहेगा कि मोदी जी ने फिर ईवीएम हैक करा दिया। भैया वोट तो देना लोकतांत्रिक विषय है, हाँ ये जरूर देखोगे कि राष्ट्र के लिए कौन कर रहा है। और आज भाई साहब आपको एक बात बताऊं, आज दिल्ली में 470 एयर की क्वालिटी आई है, पूरे वर्ल्ड में सबसे गंदी एयर क्वालिटी दिल्ली की है भाई साहब, दिल्ली में ही है। तो भाई साहब उसके लिए तो केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है ना, केजरीवाल कह रहे हैं मैं थोड़ा जिम्मेदार हूँ उसके लिए। किस चीज के लिए, कौन जिम्मेदार है? पोल्यूशन के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। अच्छा काम करना चाहिए। देखे पंजाब से पराली की हवा आ रही है, ओथो हवा आ रही है। कौन कहते थे? भगवंत मान जी। आपने उनका स्टेटमेंट देखा है कल सुबह का? कल क्या बोला मालूम उन्होंने कि जी हमने फिर दोबारा तैयारी कर ली है उन ऐत की, अगले साल पराली का एक भी धुआं नहीं आएगा। भाई साहब कितना झूठ बोलते हो आप लोग, मां कसम कौन गोली खा कर आते हो? झूठ गोली आपने वो सुना होगा, क्रोसिन सुना होगा, सिप्टाजीन सुना होगा, ये झूठ गोली खा कर आते हैं। आज दिल्ली गैस चैम्बर बन गया है, 10 दिन के लिए बच्चों को घर पे ही कैद कर दिया है। आज आप भी भाई साहब मास्क लेके घूम रहे हो, बुरा मत मानना, हाँ मिनी 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 लॉकडाउन हो गया है। अगर गलती से यही उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं जा रही है हवा? उत्तर तो मेरठ में भी हो रहा है या बागपत में भी हो रहा है? मेरठ बागपत में 470 है, पहले भाई साहब पूरी जानकारी रखिए, 470 नहीं है मेरठ में, पोल्यूशन तो है, 470 नहीं है भाई साहब। मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर आंकड़ों पे आओगे तो पढ़ा लिखा सीएम बनाया है ना, उससे बढ़िया काम मोदी कर रहा है और इस देश में काबिलियत देखी जाती है। मोदी ने जो काम किया है, अगर वो एयर पोल्यूशन की बात में अगर केजरीवाल साथ बैठता, पूरे दिन मोदी जी के खिलाफ बोलता है, अगर ये दोनों मिलके साथ दिल्ली चलाते, 5 साल की बात कर रहा हूँ मैं फिलहाल, दोबारा तो ये आएगा नहीं, तो क्या दिल्ली में लोगों को एक के साथ एक दारू पिलाता? ये नहीं पिलाता। जिस टाइम पे कोविड में ना लोगों को मास्क चाहिए थे और सैनिटाइजर चाहिए थे, उस टाइम पे ये बैठ के ना बारशाला में गंगा जल पी रहा था, और उसने एक के साथ एक दारू पिलाने की डील करी है। वो जो अरोड़ा फरोड़ा जी पकड़े गए हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, भाग गए ना, भाग गए। सुनो क्यों भाग? मुझे एक बात बता दीजिए, अगर किसी का 15-20 हजार रुपए महीने का फायदा हो रहा है तो आप लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? जब नेताओं को फ्री मिलता है, जनता को फ्री मिला तो दिक्कत कहाँ है? मेरी तरफ से मेरी बात सुनो भाई साहब, जो जरूरतमंद व्यक्ति है, देखो स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा सुविधाएं जो कांग्रेस के टाइम से फ्री थी, ये नहीं बोल सकते कि आप आज हुई है। दूसरी बात ये है कि शीला दीक्षित चाहे स्वर्गों में है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की है, स्वर्गीय शीला दीक्षित के राज में जो भी विकास हुआ है दिल्ली में वो बढ़िया हुआ है, इसके लिए दो राय नहीं है। और आज जिस कोठी में अरविंद केजरीवाल बैठा है वो भी शीला दीक्षित की सरकार की बनी हुई है, मगर उसमें एक काम कर दिया, जितने की वो कोठी बनी है ना उतने का स्विमिंग पूल बना दिया भाई साहब उसने, नहीं समझे अभी भी? समझ गए भैया, हेलो झाड़ू वालों एक बात बोल रहा हूँ सुन लो भाई साहब, ये लाइन मत काट रहा, जितने की वो कोठी बनी है पूरी सीएम का आवास है उतने का ही स्विमिंग पूल बना दिया। क्यों बना दिया भाई साहब? इतने एमसीडी में झाड़ू चलेगी, कह रहे कि कूड़े का ढेर को हटाना है। झाड़ू हमारा एक धार्मिक विषय ये है कि झाड़ू हम लोग लक्ष्मी माता का भी उनको स्वरूप मानते हैं, तो झाड़ू को तो मैं अपमानित करूंगा नहीं, मगर जो झाड़ू केजरीवाल वाला है वो अब की बारी अगर कोई देश विरोधी गतिविधि की बात करेगा या वो हिंदुओं के खिलाफ बोलेगा, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ मालूम है आपको, इन्हीं का मंत्री जो विधायक, इसको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, 10,000 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया उसने, कराया ना भाई साहब, उनके पिछवाड़े में डाल के ना मोर बना दिया जाएगा भाई साहब अबकी बारी, क्योंकि गलत है। दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधाएं आज 2.5 महीने से धरिंदर जैन जी जेल में है, अगर वो गलत थे तो बंद है ना, आप एक बात बताइए, अगर वो सही है तो सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर आओ ना भाई साहब, आप ये रहा सुप्रीम कोर्ट पीछे ही, यहाँ से अगर पैदल भी जाओगे तो आप पहुंच जाओगे, क्यों नहीं लेकर आए स्टे ऑर्डर? मैं बताऊँ क्यों भाई साहब, चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है पूरा बांस है, चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है। आप तमाम लोग बैठे हैं, क्या किसी एक मंत्री पद के व्यक्ति को 2.5 महीने जेल में रख सकते हो आप? नहीं, जब तक उसने कोई ऐसा अपराध ना करा हो जो सिद्ध हो जाए, और कल भी पता लगा है कुछ करोड़ों रुपए का लफड़ा आया आगे। भाई साहब आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ, अपने दिल पे हाथ रख के तिरंगा लगाया हुआ है इनकी पार्टी की ना भाई साहब, सच्ची बता रहा हूँ, वो दुर्गति होगी इनकी पार्टी में थी किरण बेदी, आज राज्यपाल है, इनकी पार्टी में था कपिल मिश्रा, ए ग्रेड बंदा कुमार, भाई साहब पार्टी में नहीं थी, पार्टी से पहले उस आंदोलन में थी, इन्होंने ऑफर दी थी आप आ जाओ, उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो राष्ट्रवादी व्यक्ति है, जैसे मैं राष्ट्रवादी हूँ दिल्ली का दीपक, मैं किसी की पार्टी की सपोर्ट नहीं करता, इसलिए मैंने शीला दीक्षित की तारीफ करी है, शीला दीक्षित कांग्रेस की है, जयप्रकाश अग्रवाल कांग्रेस का है, मुझे बढ़िया लगता है। मेरे को एक चीज पूछनी है, देखो आप किसी भी पॉलिटिक्स पार्टी के फैन नहीं हो, अच्छी बात है, फैन होना भी नहीं चाहिए, जो काम अच्छा करे हमें उसको तारीफ करनी चाहिए,
कोई कांग्रेस कोई बीजेपी की कमी बताओ, एक ना एक कमी तो होगी, क्योंकि अच्छा तो प्रॉपर काम तो कोई भी नहीं करता था। अगर सचिन भी ड्राइव खेलेगा थोड़ा कभी कभी हो जाता है, सचिन भी बोल जाता था, ऐसी बात नहीं है। सचिन गॉड ऑफ क्रिकेट, पर कभी ना कभी मोदी ने तो कुछ गलत काम किया होंगे, एक बार बताना बी सरकार ने, मोदी ने सरकार ने कुछ गलत काम किया। रोजगार नहीं दिया। देखिए मेरी बात सुनिए, जनसंख्या का सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा, अब इन्होंने अगर लोगों को रोजगार नहीं दिया, इनको रोजगार देना चाहिए, मगर साथ के साथ आप राज्य सरकार से भी पूछो कि आपने दिल्ली में कितने लोगों को दिया। पहले सुनो, आपको दिया केजरीवाल ने कितने, 20 लाख। अरे भाई साहब एक बात बताओ, सुनो, अगर उन्होंने 20 लाख लोगों को रोजगार दिया है तो मोदी ने 30 करोड़ लोगों को दे दिया। मैंने बोला केजरीवाल गुजरात में बोल के आए कि दिल्ली में मैंने 20 लाख रोजगार दिया। देखो केजरीवाल है तो जितना मर्जी झूठ बोल लो मुमकिन है, क्या केजरीवाल है तो जितना मर्जी झूठ बोल लो मुमकिन है। ये केजरीवाल एक बात बताओ भाई, बुरा मत मानना, सस्ती टीआरपी आप ही लोग देते हो पूरे दिन, केजरीवाल 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 केजरीवाल। आप लोगों ने इतना फेमस कर दिया उस बंदे को, इतना फेमस कर दिया कि केजरीवाल तेरे को तो फ्री की टीआरपी देते हैं लोग। वो कह रहे मोदी की नींद उड़ी है, आप कह रहे टीआरपी देते हैं। मोदी जी की नींद उड़ी है, मोदी जी की। अरे मोदी जी के आगे ना यूएन का राष्ट्रपति पीछे से हाथ मार के कह रहा बाऊजी राम राम, कहा बाऊजी राम राम, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी तो खड़ा था अपनी सीट पे, अपनी जगह पे, पीछे से राष्ट्रपति आके यूएन का कह रहा है आज ये शक्ति है। और जाके देखो लंदन में पूछिए, कमी बता दीजिए, कमी बताओ एक कोई। देखो भाई कमी अगर आप खुद बता दीजिए। नहीं मैं ही बताऊंगा, इन्होंने बोला मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मैं जितना सुन चुका हूं। आप बता दो कमी, मैं काउंटर नहीं करूंगा। नहीं मैं कहता हूं, मैंने आपसे पूछा, आप बताओ कमी, आपसे पूछा, मैं मुझे आपसे पूछ रहा हूं, मैंने आपसे पूछा भैया, मेरी बात सुनो, नाते बताओ ना, मैं बताऊं उनकी कमी क्या है। वो मंदिर बना रहे हैं, हम लोग खुश हो रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है। उन्होंने महाकाल कॉरिडोर बनाया, उन्होंने शायद गलत करा होगा। अरे भाई साहब क्या आप ही बोल दो, भाई साहब बोलो बोलो। नहीं मैंने इनसे पूछा भैया सुनो, अगर कोई राष्ट्र के लिए काम कर रहा है और उसने कोई बात ऊंची नीची रखी है तो उसने ये बता दिया मोदी ने कि राष्ट्र पहले है। श्रीकांत त्यागी जी के घर पे भी बुलडोजर चला है, वो हिंदू था। और जितना मर्जी कोई कितना बड़ा भी दबंग हो, विकास दुबे की भी गाड़ी पलटी है और मोदी जी के राज में एक बात क्लियर बता दी है। वो भी एक लड़का अभी उत्तराखंड में भी बंद हो रहा है, उसका भी पूरा खानदान चौपट कर दिया इन्होंने। जो अगर आपने दून की खबर सुनी हो, दून में ये खबर आई थी, अंकिता के घर वाले पागल परेशान हो रखे बेचारे, उनको कुछ पता ही नहीं चल पा रहा ना, तो नॉलेज है भाई साहब कि उनके ऊपर क्या कार्रवाई चल रही है, इसको राजनीति से जोड़ रहे हैं। मैं वो बता रहा हूं, मेरी पूरी नहीं, पूरा पढ़ा है मैंने, पढ़ा है उसका, पूरा बताइए। अंकिता के वो केस वाले वो खुद गवर्नमेंट मतलब आप खुद बोल रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, पता नहीं चल पा रहा है सीबीआई जांच हो या ना कि नहीं है। भाई साहब पूरी तरीके से ना वो परिवार कैप्चर हो चुका है, सुन लो, और उनके ऊपर जिस तरीके से उन्होंने मारा है, कोई भी पार्टी हो कोई भी धर्म का हो, सुन लो। और ये वही बंदे, इनसे पूछो कि ममता बनर्जी के राज में 12 मुस्लिम इलेक्शन जीतने के बाद ही ममता बनर्जी के मारे गए, जलाए गए, उनका एक ही गुनाह था कि वो बीजेपी को सपोर्ट करते थे। आप बताइए 12 लोगों की तुलना आप एक से करेंगे, वो 12 लोगों को क्यों जलाया, वो तो मुस्लिम थे। अगर आप